morning, everyone. Okay, let's revise the contract of guarantee, after which we will do all the questions relating to guarantee. समय मिले तो आज हम बेलमेंट का इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, ठीक है? आपको सवालों का जवाब देना है, एंड इफ यू फील दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर, प्लीज मार्क इट इन द टेक्स्ट बुक देयर एंड देयर इटसेल्फ, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. एक बात बताओ मुझे, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? विच थ्री पार्टीज? डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? डेटर की. किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? Who is the one who is giving the guarantee? Sorry. ये guarantee आप किसको दे रहे हो? Creditor को दे रहे हो. और किसके behalf पर दे रहे हो? On behalf of the debtor. एक से ज्यादा क्या sureties हो सकते हैं? Yes. Together they are called as co-sureties. की liability कैसी होती है? Joint and several. And they are liable in an equal proportion. एक guarantee के contract में तीन contracts है. तो कौन से प्रिंसिप? डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर. अलोंग विद दैट प्लीज ऑल्सो टेल मी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये दो टाइप्स का हो सकता है. कौन सा? स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी. विच इज द गारंटी विच इज गिवन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? क्या बात है. एंड विच गारंटी इज गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन? Continuing guarantee. Can continuing guarantee be revoked? Yes. But only for future transactions. Past transaction के लिए क्या surety already liable हो चुका है? Yes. और अगर specific guarantee अभी तक execute नहीं हुई है तो ही specific guarantee को revoke किया जा सकता है. कोई भी guarantee का contract बनने के लिए, पहली बात तो द रीजन बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट. तो कल जाके आपने गुड्स सप्लाई किए है, सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो ये गुड्स या सर्विसेज का आपको पेमेंट मिलेगा. ये सिक्योरिटी के पर्पस के लिए यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. नाउ ऐसे तो हमने देखा है दैट नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, बट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है. हम कह रहे हैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में इफ देयर इज कंसिडरेशन बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, इट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन. श्योरिटी और डेटर के बीच में कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा. और एक बात खास है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, हमारा डेटर माइनर है तो भी चलता है. फिर भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो हु शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट? श्योरिटी एंड द क्रेडिटर शुड बी मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. देर शुड बी सम काइंड ऑफ लाइबिलिटी दैट शुड बी एग्जिस्टिंग बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर. अरे लाइबिलिटी है उसी के तो रीपेमेंट के लिए हम गारंटी ले रहे हैं. If there is no liability, why will we take the guarantee? So basically the essence of a contract of guarantee is to give security. Security for what? For the liability that has arisen between the debtor and the creditor. कोई भी guarantee जो आपने ली है through misrepresentation or concealment, conceal करना मतलब hide करना some material fact, is not going to be a valid contract of guarantee. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होने की जरूरत नहीं है. इवन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड ओरली, फॉरगेट अबाउट ओरली, इवन एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. और जब को श्योरिटीज होते हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है को श्योरिटी ये कहे जब तक दूसरा श्योरिटी ज्वाइन इन नहीं करता है तब तक मेरी गारंटी भी वैलिड गारंटी नहीं है. तो जब तक दूसरे गारंटर ने हां नहीं बोला है तब तक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब सारे कोश्योरिटीज ने हां कहा है. यस नो गाइस? यस. फिर हमने ये भी देखा था, क्या देखा था हमने? द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. बेसिकली श्योरिटी की लाइबिलिटी डेटर की लाइबिलिटी से जुड़ी हुई है. उसको लीगल भाषा में कहते हैं को एक्सटेंसिव. जितना पैसा डेटर को क्रेडिटर को देना है उतना ही पैसा श्योरिटी क्रेडिटर को देगा. इनफैक्ट जैसे डेटर ने डिफॉल्ट किया ना, क्योंकि इनकी लायबिलिटी जुड़ी हुई है, हम कहते हैं ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है.
हमारे क्रेडिटर को ना डेटर को स्यू करने की जरूरत है और ना श्योरिटी को नोटिस भेजने की जरूरत है। अपने आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसने डिफॉल्ट किया, इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। यस नो गाइस, इसको वापस से बता तो क्या कहते हैं, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज coextensive with that of the principal debtor. फिर हमने कल देखा था discharge of the surety. ये पूरा concept ही important है. Discharge मतलब surety की liability is coming to an end. Surety की liability is coming to an end. कब कब discharge होता है? One is by revocation. Revocation by notice. अब आप लोग जानते हो continuing guarantee में तो आपने guarantee ली है for series of transactions. आपने जिस दिन नोटिस दिया उसके बाद के जिसको हम कहते हैं सबसिक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ही विल ओनली बी लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस। स्पेसिफिक गारंटी में अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो ही क्या होता है, आप रेवोक कर सकते हैं, अदरवाइज दिस रेवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज बाय श्योरिटीज डेथ। जैसे ही श्योरिटी की डेथ होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी इज नो मोर लायबल, बट डेथ के पहले अगर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं श्योरिटी की लायबिलिटी तो तभी अराइज हो चुकी थी। और डेटर उन ट्रांजैक्शंस में अगर डिफॉल्ट करता, उन ट्रांजैक्शन में मतलब कौन से वाले ट्रांजैक्शन, पास्ट ट्रांजैक्शन में अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप पेमेंट डिमांड कर सकते हो। बट डरने की बात नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पर्सनली लायबल नहीं होते हैं जो उन्होंने श्योरिटी से एसेट्स इनहेरेंट किए थे। हाँ, प्रॉपर्टी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, जो भी आपको कहना है, एस्टेट, उसी पैसों से रीपेमेंट किया जाएगा। एंड लास्टली इज बाय नोवेशन। नोवेशन मींस यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो श्योरिटी था वो डिस्चार्ज हो जाएगा और लायबिलिटी कौन से श्योरिटी की रहेगी, जो नया श्योरिटी है। सिंपल एज दैट। अरे कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया है तो श्योरिटी का संबंध ही नहीं है, श्योरिटी की भी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है डिस्चार्ज। नेक्स्ट, इसमें से दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेटर और क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को कर दिया वेरिएट। वेरिएट मतलब चेंज करना। तब ऐसे केस में जिस दिन चेंज हुआ है उस दिन के बाद के सारे ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। जब तक चेंज नहीं हुआ है तब तक आपकी लायबिलिटी रहेगी। हाँ या ना। नेक्स्ट, अगर क्रेडिटर ने डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, डेटर को ही रिलीज कर दिया, ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी रिलीज हो जाता है। हमने अभी रिवाइज भी किया, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द डेटर। डेटर को रिलीज कर दिया, श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। बट इसमें देयर इज अ सब पॉइंट, क्रेडिटर ने कुछ ओमिट किया, कुछ एक्ट जो करनी थी वो उसने नहीं करी जिसकी वजह से डेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, तब अब इसमें गलती डेटर की या श्योरिटी की नहीं है, इसमें गलती क्रेडिटर की है। हमारा घर का फर्नीचर बन रहा है, हमने कारपेंटर से कहा कि प्लाईवुड हम खरीद के आपको देंगे फिर आप वार्डरोब बनाना, हमने अगर प्लाईवुड नहीं खरीदा इसमें क्या कारपेंटर की गलती है या कारपेंटर के काम की गारंटी लेने वाले क्या श्योरिटी की इसमें कोई गलती है? यहां पे द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो गया, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी हो जाता है डिस्चार्ज। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, कंपाउंडिंग हुआ है, कॉम्पोजिशन हुआ है, तो आपने, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था जैसे 5 लाख के बदले डेटर और क्रेडिटर ने आपस में डिसाइड किया है 2 लाख में हम सेटल कर लेंगे। अरे आपने खुद माना है कि डेटर 5 लाख के बदले तूने 2 लाख भी दिया ना तो भी चलेगा, बाद में इससे 2 लाख रुपए लेके आप 3 लाख रुपए श्योरिटी से डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब आपने अग्री किया है 5 के बदले में 2 लाख मेरे को चलेगा, तो अब 2 लाख में ही खुश रहो, है ना। प्रॉमिस टू गिव टाइम, याद कीजिए मीका जी, राखी जी और अक्षय कुमार। सुनो, अक्षय कुमार श्योरिटी है,
यहां पे दो केसेस है, मैंने दोनों पॉइंट्स को कवर किया था, कब डिस्चार्ज होता है और कब डिस्चार्ज नहीं होता है, तो दोनों को मैं साथ में ही पढ़ाती हूं। पहले तो जब राखी और मीका आपस में टाइम एक्सटेंड करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, वो भी श्योरिटी को पूछे बिगर, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएशन ओनली, जहां पे टाइम पीरियड एक कितने 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, 3 महीने हो गए, क्रेडिटर जब मतलब मीका जब राखी के पास जाता है तब वो लोग आपस में डिसाइड करते ठीक है 3 महीने नहीं, 5 महीने बाद भी पेमेंट दिया तो भी चलेगा, ऐसा कैसा नहीं, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड बिकॉज यहां पे वेरिएशन हुआ है। बट मैंने और एक केस आपको उसके बाद पढ़ाया था, मीका अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा है रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम, गर्लफ्रेंड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, उसके साथ की हुई बातें बातें ही रह जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट पे इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज नहीं हुए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज नहीं हुए है द श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड। वेरी गुड, पक्का। और फिर ये था जिसके ये दोनों पॉइंट्स जुड़े हुए थे, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, अगर क्रेडिटर ने प्रॉमिस किया कि डेटर आई वेव ऑफ द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू, वेव ऑफ कर देना मतलब छोड़ देना, आपने स्यू करने के राइट को ही वेव ऑफ कर दिया है, इससे हमारे श्योरिटी की पोजीशन इंपेयर हो रही है, लीगल भाषा में उसको क्या कहते हैं, इंपेयर, इंपेयर होना मतलब कमजोर होना, वीक हो जाना, इसलिए हमने कहा है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। बट मियर फॉरबिनेंस, याद है आपको, मियर फॉरबिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, जिसका क्या मतलब हुआ, कल जाके अगर हमारे क्रेडिटर ने वेव ऑफ नहीं किया है राइट को, बट एक्सरसाइज ना करने का डिसाइड किया है, तो इसमें श्योरिटी की पोजीशन कमजोर नहीं होती, क्योंकि श्योरिटी जब क्रेडिटर की पोजीशन लेता है, श्योरिटी को तो अभी भी राइट है डेटर को स्यू करने का, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, द श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड। फिर उसके बाद ये तो ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट पहले भी था, अदर को श्योरिटी नॉट ज्वाइनिंग इन, ये अभी भी डिस्कस किया है हमने, सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं यहां पे, बट दूसरा एंगल है, ठीक है। और लास्ट था राइट्स ऑफ श्योरिटी, याद रखना श्योरिटी की राइट कब अराइज होती है, जब उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, जिम्मेदारी पूरी करना मतलब क्या हो रहा है, डेटर ने डिफॉल्ट किया है, इसलिए श्योरिटी ने क्या किया है, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, क्योंकि हमारे श्योरिटी ने उसकी जिम्मेदारी पूरी की है, क्या उसको उसके राइट्स भी मिले गए, फर्स्ट राइट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, द राइट ऑफ सबरोगेशन टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर की जैसे पहले पोजीशन थी अब वो किसकी हो जाएगी, श्योरिटी की, तो जैसे पहले क्रेडिटर डेटर से पैसे डिमांड कर सकता था, अब कौन पैसे डिमांड करेगा, श्योरिटी डेटर से पैसे डिमांड करेगा। नेक्स्ट इज इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, कि डेटर की हरकत की वजह से अगर श्योरिटी को नुकसान हुआ है तो डेटर को यह नुकसान भर के देना होगा टू द श्योरिटी। ओके, नेक्स्ट इज श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, एडिशनली अगर क्रेडिटर के पास कुछ सिक्योरिटी है तो ऐसे केस में जब क्रेडिटर को पेमेंट मिलता है ना श्योरिटी से, उसको ये सिक्योरिटी हैंड ओवर करने होंगे टू द श्योरिटी, पक्का, क्योंकि जो पोजीशन पहले क्रेडिटर की थी, वेरी गुड, अब वो किसकी हो गई है, श्योरिटी की हो गई है, क्या बात है। नेक्स्ट, राइट टू सेट ऑफ, डेटर और क्रेडिटर में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डेटर को भी कुछ पैसा क्रेडिटर को देना है और क्रेडिटर को भी कुछ पैसा डेटर को देना है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी अगर आपने दिया तो भी चलेगा। अगर हमारा डेटर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया
जितना परसेंटेज उसकी प्रॉपर्टी से रियलाइज हो सकता है उतना आप रियलाइज करवा लोगे, और बाकी का जो प्रपोर्शन है वो आप श्योरिटी से रिकवर कर सकते हो. ठीक है, को श्योरिटीज हैव अ लाइबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट. बट इसमें आपने देखा था पॉइंट बी कि अगर आप चाहो आप आपकी लाइबिलिटी को कर सकते हो लिमिट, उससे ज्यादा फिर आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी. इसके हमने दो तीन केसेस भी देखे थे. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. चलो लेट्स चेक आउट द क्वेश्चंस. ये थियोरी है. सबरोगेशन मीन्स टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ समवन एल्स. वहां पे दिया है. क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास? क्वेश्चन वन टू हो चुका है. क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जा. कम ऑन, चेक इट आउट गाइस. देखो यहां पे क्या हुआ है. कम ऑन गाइस. और आपको पता है आपको क्रॉस रेफरेंस आपकी टेक्स्ट बुक में देना है. आपकी बुक बोलनी चाहिए मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 12,000 रुपीज बाय एबीसी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. अभी तक कुछ समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, बट नेक्स्ट सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा. वाई गेव श्योरिटी फॉर एक्सेस गुड कंडक्ट. सुनो ना, गारंटी का क्वेश्चन आया ना, डोंट जंप टू राइट डाउन द आंसर. पहले अपना ये जो ट्रायंगल है वो आप रफ में बना देना आपके क्वेश्चन पेपर के यहां पे, या तो फिर इन द नोटबुक ऑल्सो, मतलब आंसर शीट ऑल्सो. ट्रायंगल में आप लोग जानते हो ये डेटर की जगह है, ये श्योरिटी की जगह है और ये क्रेडिटर की जगह है. Why gave surety for excess good conduct? Why gave surety? Why कौन है? For excess good conduct. तो X कौन है? Debtor के creditor. तो automatically ABC bank क्या हो जाता है? Creditor. एक बार आपको यह पता चल गया ना debtor कौन है, creditor कौन है और surety कौन है, then giving the answer becomes very easy. सो अंडरस्टैंडिंग शुड बी गुड. अगर क्वेश्चन समझने में गलती कर दी आंसर तो गलत ही होने वाला है. तो आप 30 सेकेंड्स डालो, दिस वुड बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर 3 मार्क्स. ओके, आफ्टर 9 मंथ्स, सुनो ना मेरी बात, ये एक्स को 3 सालों के लिए अपॉइंट किया था एबीसी बैंक ने, बट 9 महीने के बाद द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बैंक डिटोरिएट्स. Then X agrees to accept a lower salary of 10,500 per month. जब वो अपॉइंट हुआ था वो 12,000 की सैलरी पे अपॉइंट हुआ था, बट बाद में 9 महीने बाद क्योंकि बैंक की पोजिशन डिटोरिएट हुई उसने कहा काम से मत निकालो, मेरे को लोअर सैलरी दी तो चलेगा बट काम पे रहने दो. एंड ही एक्सेप्टेड 10,500 एज ए सैलरी. 10,500 सैलरी करने के 2 महीने बाद, 2 मंथ्स लेटर, इट वॉज फाउंड दैट X misappropriated the cash. Misappropriated मतलब embezzlement of cash. Okay, but now see, check it out. This embezzlement, एक तो हमने good conduct का guarantee दिया है और X ने क्या कर दिया है, misappropriate. कब से? Since the time of the appointment. So what is the liability of Y? पहली बात तो मुझे बताओ 9 मंथ्स के बाद क्या वेरिएशन हुआ है? Yes. 12 से 10 500 पे सैलरी लाई है. बट क्वेश्चन पूछते वक्त पूरा ट्विस्ट किया है आईसीआई ने, वेरिएशन के ऊपर ही नहीं है सवाल. आप अगर देखो कि जब से बंदा अपॉइंट हुआ है तब से मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब बंदे के इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे. मतलब तो जो हमने गुड कंडक्ट का गारंटी लिया है
वो तो गलत प्रूव हो गया, हिज कैरेक्टर इज नॉट गुड. व्हाई विल बी लायबल फॉर एक्सेस मिस अप्रोप्रिएशन, वो भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. बराबर ना? एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा है, समझ रहे? 9 months के बाद तो उसकी सैलरी कम हुई, ठीक है, मतलब वो वेरिएशन था. बट नाउ व्हाट विल हैपन इज 9 months के बाद, क्योंकि वेरिएशन हुआ है, हम ये स्टैंड ले गए दैट वेरिएशन के बाद श्योरिटी, अच्छा वेरिएशन श्योरिटी के कंसेंट के बिगर हुआ है, इसलिए सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है. बट बिगिनिंग से तो वो लायबल है ना, बिगिनिंग से मतलब फर्स्ट 9 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट के लिए श्योरिटी विल बी लायबल. बराबर? अच्छा क्वेश्चन में अगर ऐसा ट्विस्ट होता कि जब से सैलरी कम की है ना तब से वो कांड कर रहा है, तो आपका आंसर भी गलत अलग हो जाता, तब हम कहते हैं श्योरिटी विल नॉट बी लायबल. इस केस में श्योरिटी इज लायबल, बट हाउ मेनी मंथ्स? तो आपको पूरे क्लैरिटी से आंसर जवाब देना है कि श्योरिटी लायबल है बट सिर्फ फर्स्ट 9 months, और 9 months के बाद क्यों नहीं लायबल है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, वेरिएशन. वेरिएशन के वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. दो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, हो क्या साथ में? देखो आंसर, एक काम करो, आप आंसर रीड करो, हाईलाइटर लो, और आपको जो कीवर्ड्स लगते हैं ना उसको हाईलाइट करो, क्योंकि सुनो ना एग्जामिनेशन में भी सारे कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने होते हैं. तो वैसे आप क्या करो, आपका रीडिंग भी हो जाएगा और हाईलाइटिंग भी हो जाएगा. रीड करो, चलो जो आपको लगता है आर द कीवर्ड्स टू दिस आंसर. पहली बात तो हमारा प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है. वेयर देयर इज एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर विच ट्रांजेक्शन्स, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स, मतलब ट्रांजेक्शन्स आफ्टर द वेरिएशन. तो उसकी वजह से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कांड तो उसने स्टार्टिंग से ही किया है, अरे हो कि नहीं? सो व्हाई इज लायबल एज अ श्योरिटी फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बैंक बिकॉज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months ओनली. बट अगर ये मिसअप्रोप्रिएशन बाद में भी हुआ है तो उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद देयर वाज अ वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस. हो कि नहीं? पक्का? आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 4, चेक इट आउट. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिप्यूलेटेड टाइम. इससे कुछ भी नहीं समझ में आया, कौन डेटर कौन कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिप्यूलेटेड टाइम. बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटीरियल टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन. अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ करो तो ड्रॉ ट्राइंगल, बताओ सी कौन. एक मिनट. आंसर मत रीड करो, टेक्निकल इश्यू था इसलिए रुकी हुई हूं मैं. हाँ ठीक है. यहां पे देखो क्या हुआ है. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस. सी कौन है? ए कौन है? हा डेटर के क्रेडिटर. क्योंकि ए के परफॉर्मेंस के लिए सी ने गारंटी ली है तो ए इज द डेटर एंड ऑटोमेटिकली बी बिकम्स द क्रेडिटर. अब देखो ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, तो ए और बी ने, डेटर और क्रेडिटर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर अ फिक्स्ड प्राइस
टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी, घर किसका बन रहा है? बी का, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, और बी ही मटीरियल सप्लाई करेगा फॉर द यूज इन द कंस्ट्रक्शन. सी गारंटी करता है ए के परफॉर्मेंस के बारे में. नाउ बी डज नॉट सप्लाई द मटीरियल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज बी? क्रेडिटर ने गलत किया है. क्रेडिटर ओमिट्स बराबर हिज ड्यूटी, जिसके वजह से डेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो डेटर डिस्चार्ज हो गया. और अगर डेटर डिस्चार्ज हुआ है, क्या श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है? हा है ना. सो यहां पर एक्चुअली हुआ है ओमिशन, ओमिशन बाय द क्रेडिटर, जिसके वजह से कौन डिस्चार्ज हो गया है? डेटर. और क्योंकि डेटर डिस्चार्ज हुआ है, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली. बरोबर ना. वो छोटा सा पॉइंट है, उसका वो बी वाला पॉइंट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है. टेक्स्ट बुक में कहा ये पता है आपको कॉन्सेप्ट? 1-1 आप लोग क्रॉस रेफरेंस दिए या नहीं दिए? ये देखो 118 में ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट गाइज एंड गर्ल्स, उसके ऊपर ये वाला, यहां पे लिखो क्वेश्चन 4. ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही है, क्योंकि पास्ट पेपर्स और आरटीपीज है ही नहीं. और इसी के ऊपर का क्वेश्चन नंबर 3 है वेरिएशन का, वो भी लिख लो. जब तक मैं नहीं लिखती हूं आप लोग नहीं लिखते हो, बिल्कुल भरोसा नहीं आप पे. कल क्यों नहीं आए थे तुम? आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6, इज योर होमवर्क. इट्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, वेरिएशन के बारे में ही है, बट क्वेश्चन 6 इज योर होमवर्क एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट डाउन. किसका क्वेश्चन है वो भी मैं बता देती हूँ, वेरिएशन का ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ नाम चेंज हो गया और फिगर्स चेंज हुए हैं. क्वेश्चन 3 और ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6. आप टेक्स्ट बुक में अगर चाहते हो 118 पे लिख सकते हो. मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था ये वेरिएशन का पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन 6 हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल करेंगे. 7 तो हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. जालमग, वी विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. 5 मिनट की ब्रेक देके बेलमेंट चालू करेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, उसके बाद क्या है? बेलमेंट प्लेज एजेंसी, पूरी वॉल्यूम 1 है. जाल चलो आ जाओ, आओ इधर. सी एडवांसेस टू बी, आपके साथ रह के थोड़ी सी होशियार हो गई हूं मैं. सी एडवांसेस टू बी 2 lakh rupees ऑन द गारंटी ऑफ ए. इससे आपको समझ में आना चाहिए कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है और कौन श्योरिटी है. बोलो एक एक करके. सी एडवांसेस टू बी, हु इज सी? क्रेडिटर, इसलिए सी को यहां पे लिख रही हूं. एडवांसेस टू बी, बी कौन है? ऑन द गारंटी ऑफ ए, हु इज ए? सी हैज ऑल्सो टेकन अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम बोरोइंग बाय द मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर वर्थ 2 lakh rupees विदाउट द नॉलेज ऑफ ए. एडिशनल सिक्योरिटी है, गारंटी तो ली है, बट सी ने उसके साथ साथ क्या किया है? एडिशनल सिक्योरिटी ली है फर्नीचर की. फर्नीचर
कि सिक्योरिटी लेना मतलब कल जाके पेमेंट नहीं दिया, हम फर्नीचर बेच के ड्यूज रिकवर कर सकते हैं. सी कैंसल्स द मॉर्गेज. ओके, आफ्टर सिक्स मंथ्स बी बिकम्स इनसॉल्वेंट. बी मतलब हमारा डेटर एंड सी सूज ए. डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज वर्थ 80,000 अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसमें कुछ दिया नहीं है ना, इंसॉल्वेंट हुआ तो कितना पैसा रिकवर हो सकता है? कुछ भी नहीं दिया ना. हाउ मच परसेंटेज इज रिकवरेबल, मतलब कहां दिया है? नहीं 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 बेटा, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट. तो अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, ऐसा नहीं होता कि वो पूरा कंगाली है, सिर्फ लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज ही, एसेट कुछ नहीं है. बट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो ऐसा मानेगे कि उससे सच में कुछ नहीं रिकवर हो सकता है. यूजुअली क्या होता है ना, 25% 30% 40% हम रिकवर कर सकते हैं बंदे से. इसमें कहां दिया है? फर्नीचर वर्थ 80,000. बट यहां पे ये जो फर्नीचर है 80,000 का, आपने उसको मॉर्गेज की तरह दिया है ना. अब अगर आपने फर्नीचर मॉर्गेज की तरह दिया है, एक मिनट आईपैड पे स्विच करके लिख के बताते हो. हाँ, क्या कैंसिल करना है? ये कनेक्ट करना यार, कनेक्ट नहीं हो रहा है, गोल गोल ही घूम रहा है आईपैड. चलो ये आंसर आप नोटबुक में लिखो. व्हाट अरे यार, नहीं लिखना है क्या? ऐसे यहां पे नीचे है जगह लिखने के लिए. क्वेश्चन बैंक में ये कनेक्ट कर रहा है, दो मिनट रुक जाओ, नहीं तो मैं डिक्टेट करना चालू कर देती हूं. मैं क्यों लिखूं, आप लिखो. छोटा मार्जिन आप बनाओ मेन मार्जिन के बाजू में. फर्स्ट पॉइंट में आप रेफरेंस लिखते हो. टेक्सबुक में ये कॉन्सेप्ट किधर है, सिक्योरिटी वाला? वन ट्वेंटी. क्वेश्चन नहीं समझा क्या?
सुनो ना, 121, 122 पेज नंबर देखो आपके टेक्स्ट बुक्स का, 121 के जस्ट एंड का पार्ट है और 122 पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 10, ये दिख रहा है आपको? श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से वापस से पढ़ो आप. क्वेश्चन 10, अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू. Whether the surety knows of the existence of the security or not, and if the creditor loses it or without the consent of the surety parts with such security, parts with such security मतलब security वापस दे देना हमारे debtor को, the surety is discharged to the extent of the value of security. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये एक सेंटेंस के ऊपर पूरा क्वेश्चन नंबर 10 बनाया गया है. पहले तो लॉ मेकर ने कहा है, डेटर ने, सुनो मेरी बात, आरा नहीं है, इज्जत दो. डेटर ने क्या किया है, क्रेडिटर को सिक्योरिटी की तरह पे कुछ एसेट्स दी है, गारंटी तो ली है, बट ओवर एंड अबव गारंटी हमारे डेटर ने क्या किया है, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ एसेट्स जो है वो दिए है टू द क्रेडिटर. अब लॉ मेकर कहते हैं, जैसे ही श्योरिटी पेमेंट करता है ना क्रेडिटर को, जो भी सिक्योरिटी इस क्रेडिटर के पास थी वो सारी सिक्योरिटी किसकी हो जाएगी, श्योरिटी की हो जाएगी. लॉ मेकर इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं, श्योरिटी को इस बारे में पता ना भी हो ना तो भी लीगल हक है श्योरिटी का वो एसेट्स को पाने का, तो भी लीगल हक है श्योरिटी का उन एसेट्स को पाने का. अब क्रेडिटर से अगर वो एसेट्स खो गई, मिसप्लेस हो गई, या तो क्रेडिटर ने उन सिक्योरिटी को वापस से हमारे डेटर को दे दिया या किसी और को बेच दिया, मतलब क्रेडिटर से गलत हुआ है, उसने या तो सिक्योरिटी को किसी और को बेच दिया है, या तो सिक्योरिटी वापस से हमारे डेटर को दे दी, या तो सिक्योरिटी उससे खो गई, तो लॉ मेकर कहते हैं जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी खो गई है या आपने बेच दी है या डेटर को वापस से दे दी है, उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड. मतलब जब आपने गारंटी ली थी तब आपने सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास रखी थी, गारंटी लेने के बाद आप सिक्योरिटी को बेच देते हो, वापस रिटर्न करवा देते हो, या तो सिक्योरिटी आपसे खो जाती है, इसमें तो नुकसान श्योरिटी का होगा ना, इसलिए कहा उतने एक्सटेंट तक, मतलब टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, व्हाट विल हैपन इज द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड. अब इसी को माइंड में रखते हुए, कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, अब क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में कहा है, सी ने कुछ तो 2 लाख के पैसे बी को दिए हैं, और क्योंकि सी ने बी को 2 लाख के पैसे दिए हैं, बी ने कुछ फर्नीचर मॉर्गेज किया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपीज. इसने गारंटी ले ली, और गारंटी लेने के बाद सी क्या करता है, मसीहा बनता है और मॉर्गेज को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है. सी ने भले ही मॉर्गेज को कैंसिल किया है, हम कहेंगे भाई सी तूने ये सही नहीं किया है, जितनी एसेट की वैल्यू थी उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. मतलब गारंटी लेते वक्त तू बता रहा है तू टेंशन मत ले, मेरे पास 80,000 का फर्नीचर है, मैं गारंटी दे देता हूं, और मेरी गारंटी देने के बाद तू मसीहा बन के बोल रहा है नहीं नहीं गारंटी कैंसिल, ये फर्नीचर कैंसिल, फर्नीचर कैंसिल, ले ले भाई बी तू तेरा फर्नीचर वापस ले ले. तब ऐसे केस में श्योरिटी की पोजीशन यहां पे कमजोर हो रही है. हाँ, और इसलिए हमने कहा है सिक्योरिटी, ये 80,000 का जो फर्नीचर का वैल्यू है उतने के लिए हमारा श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड.
ओके सो आंसर ये आएगा कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है ऑब्वियसली बी तो पेमेंट नहीं कर सकता है, ए सी को पेमेंट करेगा, बट ए जो सी को पेमेंट करेगा पूरे 2 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, 2 लाख माइनस 80,000 120 कौन देगा, ए सी को देगा, ऐसा ही कुछ आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, आई डोंट थिंक सो लिखने की जरूरत है, देख लो एक बार, लेट्स चेक इट आउट। ये पूरा प्रोविजन जैसे टेक्स्ट बुक में मैंने हाईलाइट किया था सेम टू सेम, देखो आप, श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर व्हेन द श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू। तो जब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 80,000 का फर्नीचर क्या क्रेडिटर के पास था, और अगर वो 80,000 का फर्नीचर क्रेडिटर के पास था, श्योरिटी इज एंटाइटेड टू दिस 80,000 का फर्नीचर जो क्रेडिटर के पास था, जो उसने डेटर से लिया था जब गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट एंटर करी थी, एंड उसका ये हक तब भी है जब श्योरिटी को इस बारे में पता हो या चाहे पता ना हो, और अगर इसलिए लिखा है एंड क्रेडिटर से अगर वो सिक्योरिटी खो जाती है या श्योरिटी के कंसेंट के बिगर आप उस सिक्योरिटी को बेच देते हो, रिटर्न करवा देते हो, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। इस केस में सी ने बी को 2 लाख रुपए दिए हैं एक ही गारंटी पे और प्लस फर्नीचर भी लिया है, बट बाद में फर्नीचर आप ले लेते हो और बाद में आप ये मॉर्गेज कैंसिल करवा देते हो, और उस बीच बी भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हम कहेंगे ए द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लायबिलिटी अमाउंटिंग टू 80,000 और बैलेंस 1,20,000 श्योरिटी को देने पड़ेंगे टू द क्रेडिटर, हाँ टू मिस्टर सी। क्या क्या फर्नीचर की वैल्यू अगर 2 लाख होती तो फिर कुछ भी देना नहीं पड़ता, और अगर 2 लाख से ज्यादा होती तो आप फर्नीचर बेचते 2 लाख रुपए सी को दे देते और सरप्लस बी को लौटा देते, ऐसा क्या हुआ बेटा बोलना। हाँ वो भी है, बट उधारी तो आपने पहले ली थी ना, तब थोड़ी ना सोचा था कि आपका दिवाला निकलने वाला है, तब तो आप यही सोचोगे ना कि बिजनेस गोइंग ऑन कंसर्न है तो फर्नीचर की जरूरत है मेरे को, व्हाई विल यू सेल इट, ऐसा है। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले, 45 को वापस से रिज्यूम करते हैं, 15-20 मिनट बेलमेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फर्नीचर वर्थ 2 लाख, अरे यार फर्नीचर वर्थ 2 लाख इज जस्ट द बुक वैल्यू, आयुष मार्केट वैल्यू मतलब फर्नीचर को बेचने के बाद 80,000 रुपए ही आ रहे ना, है ना। यू ऑल कैन गो आउटसाइड एंड कम बैक इन, 5 मिनट का ब्रेक लो, यू ऑल विल बिकम फ्रेश। हम बेलमेंट आज शुरू कर रहे हैं,
आप ही बता। चेक, चलो हो गए ना 5 मिनट, मैं शुरू करती हूँ। चेयर को क्या हो गया, इसका हैंडल ऐसे ऐसे हो रहा है, देख इसका ये स्क्रू निकल गया है। है ना, पता नहीं, चल चालू कर दो। तूने पॉज किया था क्या लेक्चर, चालू है क्या? टूट जाएगी ऐसे लग रहा है कुर्सी। चलो आई एम स्टार्टिंग द क्लास, कम ऑन गाइस।
ये कनेक्ट करना यार, ये बार बार बंद क्यों जाता है? मिररिंग हुआ, अच्छा चलो वेलकम बैक गाइस, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू कम इनसाइड द क्लासरूम। नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मेरे साथ साथ ही प्लीज आप लोग नोटबुक में लिखिए, बाद में मैं सेपरेटली टाइम नहीं दूंगी लिखने के लिए। ओके आप ये दो तीन एग्जांपल्स कंसिडर कीजिए, उसी से हम लोग बेलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं। प्लीज सेटल डाउन फास्ट फास्ट, कम ऑन गाइस। पहले एग्जांपल में देखो क्या हुआ है। से आपकी एग्जाम्स वगैरह सब हो गई एंड नाउ आपने इतने अच्छे से क्लासेस की, इतने अच्छे से पढ़ाई की, दिन रात एक करके आपने मेहनत करके एग्जाम दिए, नाउ यू रियली नीड अ ब्रेक। तो अब आप और आपके घर वाले जो है वो सोचते हैं कि चलो एक ट्रिप पे जाते हैं और एक हॉलीडे मनाते हैं। सो नाउ यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, मे बी उस सीजन में यूरोप वगैरह अच्छा रहेगा, तो यूरोप जाने का आप लोग सोचते हो, रशिया। बट नाउ मम्मी की बहुत सारी ज्वेलरी है जो घर पे है, और 10-12 दिन घर पे ना रहना वुड बी वेरी रिस्की। तो आप क्या करते हो, आप आपके नेबर के वहां पे, पड़ोसन के वहां पे 10 दिनों के लिए, बहुत इमोशनल हो रहा है जैसे ही पड़ोसन बोला तो ये जो वैल्यूएबल्स है वो आप छोड़ देते हो, ठीक है? क्या हुआ? यहां पे आप बताओ, आपने जब आपकी ये ज्वेलरी, मतलब मम्मी की ज्वेलरी, नेबर के पास छोड़ी है, क्या ये ज्वेलरी उनकी हो जाती है? यू आर स्टिल द ओनर ऑफ दैट ज्वेलरी। पड़ोसन ओनली बिकम्स द पोजेसर ऑफ द ज्वेलरी। और जैसे ही पर्पस कंप्लीट होता है, से 10-12 दिन बाद आप वापस आ जाते हो, क्या आप पड़ोसन से ये ज्वेलरी वापस से ले लोगे? वैसे चलो अनदर केस, से यहां पे तो आपको बेनिफिट मिल रहा था क्योंकि आपने आपकी ज्वेलरी नेबर को दी है। अब अदर वे राउंड, से कुछ दिनों के लिए आपकी फ्रेंड जो है आपके गांव से, अच्छा फ्रेंडी, अच्छा जस्ट फ्रेंड्स वाली फ्रेंड, नहीं नहीं जस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली जेन्युइनली आपकी अच्छी दोस्त जो है पुणे में आई थी, बट नाउ शी डज नॉट हैव अ व्हीकल। तो अब आप सोचो बेचारी कहां बस स्टॉप पे जाएगी, बस में घूमेगी फिरेगी, यू कैन नॉट सी दिस। तो आप क्या करते हो, आपकी एक्टिवा जो है, आपकी मोपेड, कुछ दिनों के लिए उसको यूज करने के लिए दे देते हो, हफ्ता भर के लिए। और जैसे ही शी इज गोइंग बैक अगेन टू द विलेज, ऑब्वियसली नाउ पेट्रोल का पैसा कैसे दोस्त आप, ऑब्वियसली वंस हर हॉलीडे टू पुणे इज ओवर, नाउ शी इज रिटर्निंग दिस एक्टिवा बैक टू यू। यहां पे फायदा आपका नहीं है, यहां पे फायदा किसका है, आपकी फ्रेंड का है। और एक तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, यहां पर क्या हुआ है, से क्लासेस खत्म होने के बाद, बट प्रेपरेटरी लीव जस्ट शुरू हुआ है, आप सोचते हो कि अभी सब लोग एक दो दिनों में घर चले जाएंगे, सो लेट्स गो फॉर अ वन डे पिकनिक। तो आप और आपके दोस्त सोचते चलो इमेजिका चलते हैं, ठीक है? ओके फाइन, एक्वा इमेजिका, वेट एंजॉय, जो भी है। तो अब यू वॉन्ट टू गो टू, एक दिन में गोवा कैसे जाके आओगे बेटा? वेरी गुड, जाके आ जाओ फिर। आप और आपके दोस्त क्या करते हैं,
एक कार सर्विस प्रोवाइडर से इनोवा हायर करते हो और इनोवा हायर करने के बाद यू यूज द सर्विस ऑफ दिस कार अलोंग विद द ड्राइवर, यू गो टू एक्वा इमेजिका, फुल डे यू डू पूरी मस्ती मजाक मजे एंड देन ऑफ कोर्स फॉर द इनोवा यू आर पेइंग द हायर चार्जेस. इसी हायर चार्जेस के बदले में आपको ये कार जो है वो मिली है फॉर यूजिंग इट फॉर अ डे. तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप देखते हो, तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां पे आपने गुड्स के पोजेशन को ट्रांसफर किया है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. पहले वाले केस में भी आपने वैल्यूएबल्स आंटी जी के वहां पे रखे, दूसरे वाले केस में आपने आपकी एक्टिवा आपके फ्रेंड को दी है, तीसरे वाले केस में आपने ये कार जो है उसको हायर पे लिया है. तीनों भी केस में यू हैव जस्ट ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड दिस पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. ओके, जैसे पहले पर्पज था सेफ्टी, पहले वाले केस में एग्जाम्पल नंबर वन में वॉट वॉज द पर्पज, सेफ्टी. सेकेंड केस में इट वॉज यूसेज, थर्ड केस में भी इट इज यूसेज ओनली. और जैसे पर्पज कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स. पहले वाले केस में बता सकते हो कौन ट्रू ओनर है गुड्स का, ज्वेलरी के ओनर कौन है और पोजेसर कौन है. इसी को बेलमेंट के टर्म्स में कहते हैं, ओनर ऑफ द गुड्स इज नोन एज द बेलर. और जिसको गुड्स का पोजेशन दिया जा रहा है उसको कहते हैं एज द बेली. और यहां पे पर्पस इज सेफ्टी, वैल्यूएबल्स को आपने दिया है फॉर व्हाट रीजन, सिक्योरिटी सेफ्टी. और जैसे पर्पस कंप्लीट हो जाता है क्या गुड्स को वापस से रिटर्न किया जाएगा. दूसरे वाले केस में भी आपने आपकी फ्रेंड को आपकी एक्टिवा दी है, आप गुड्स के ओनर हो, ओनर आपको क्या कहा जाएगा, बेलर या बेली, बेलर. और फ्रेंड को क्या कहा जाएगा, बोलो ना. और यहां पे पर्पस है यूसेज. और जैसे ही आपने मतलब जैसे ही आपकी फ्रेंड वापस घर जा रही है वो आपको आपकी एक्टिवा वापस से लौटा दे रही है. थर्ड केस में भी कौन है इनोवा का ओनर, आप या ये कार सर्विस प्रोवाइडर, तो बेलर कौन है और आप कौन हो पोजेसर, आपको कहा जाएगा एज द बेली. यहां पे भी इनोवा जो आपने ली है उसका पर्पस है यूसेज, उसका पर्पस है यूसेज. और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द ओनर. इन शॉर्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट वी हैव अंडरस्टूड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देर आर टू पार्टीज. हाउ मेनी पार्टीज, कौन दो पार्टीज है, बेलर एंड बेली. कौन गुड्स का ओनर है, बेलर. और कौन गुड्स का पोजेसर है, जो गुड्स का ओनर है उसको कहते हैं बेलर और जो गुड्स का पोजेसर है उसको कहते हैं बेली. इतना लिखा क्या आप लोगों ने,
तो मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होने के लिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहली बात तो कैन आई जस्ट स्क्रोल इट अप, आप बाद में लिख लो, अभी मैंने आपको बोला था मेरे साथ साथ लिखो, बाद में मैं स्क्रीन चालू रखती हूं, आप लोग सुन लो पहले। फिर कोई भी बेलमेंट होने के लिए सबसे पहली बात तो गुड्स का होना जरूरी है। अब गुड्स का क्या मतलब होगा? गुड्स वुड मीन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड वुड मीन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। मनी इज नॉट गुड्स, पैसा गुड्स नहीं होता है, समझ रहे हो क्या आप? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट मनी विल बी कंसिडर्ड एज, बोलो ना, गुड्स। कोई भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का होना जरूरी है। नो गुड्स, नो बेलमेंट। इनफैक्ट यही गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है। यही गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी। डिलीवरी मतलब समझता है क्या होता है? गुड्स का पोजेशन किसी और को ट्रांसफर होना, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी जैसे आप अभी आप दुकान में गए, 10 रुपए दिए, चिप्स का पैकेट लिया, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। क्या कहते हैं इसको? एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ, ये कैसे पता आपको? अरे सेलर को जाकर हुआ ना आपका, जहां पे आपने क्या किया है, एक्चुअली गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया है, बट आपने ऐसी कोई चीज दी विच इज अ टोकन ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स। जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको गाड़ी की चावी मिलती है, गाड़ी क्या उठा के गोद में आपके नहीं देते हैं, वो नहीं हो सकता है। आपको चावी मिलना इज इक्वलेंट टू गाड़ी मिलना। क्या बात है, खुश हो गई मैं। तो एक है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंड देयर इज वन मोर, सिंबॉलिक डिलीवरी। अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो था एक्चुअल एंड सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? गुड्स का पोजेशन जिधर था उधर ही रहता है, बट नाउ यू आर होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। मैंने वो वेयरहाउस वाला एग्जाम्पल दिया था जहां पे डीलर है और ये फार्मर है, और फार्मर ने अपना शुगर केन एक वेयरहाउस कीपर के पास हैंड ओवर किया है। वेयरहाउस कीपर फार्मर के बिहाफ पे अभी गुड्स होल्ड कर रहा है, बट फार्मर ने क्या किया, ये गुड्स को बेच दिया डीलर को। बट डीलर ने कहा अभी माल मेरे को मत दे, जिधर है ना उधर ही रहने दे। तो गुड्स एक्चुअली तो जिधर थे उधर ही है, बट नाउ द वेयरहाउस कीपर इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने कंस्ट्रक्ट किया है, इमेजिन किया है कि बेचते वक्त फार्मर ने वेयरहाउस कीपर से लेकर अपने पास माल लाया, अपने पास से डीलर को दिया, डीलर ने वापस से उसी वेयरहाउस कीपर के पास माल रख दिया। ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ, ऐसा आपने सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा आपने सिर्फ सोचा है, इसलिए उसको कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या कहते हैं उसको? सो नो डिलीवरी, नो बेलमेंट, नो गुड्स, नो बेल। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर मनी। इसी बेलमेंट का होना चाहिए कुछ तो पर्पस। पर्पस कुछ भी हो सकता है, हमने ऊपर भी देखा था, इट कुड बी यूसेज, इट कुड बी सिक्योरिटी, इनफैक्ट इट कुड बी मॉडिफिकेशन ऑफ गुड्स, इट कुड बी रिपेयर्स, इट कुड बी सर्विस, इट कुड बी ट्रांसपोर्ट। आपके लाइफ में अनगिनत बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
आपका मोबाइल खराब हो गया, आपने रिपेयरिंग को दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? मोबाइल आपका ही है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है तो क्या ट्रांसफर हुआ है? पोजेशन, कोई पर्पस के लिए। पर्पस क्या है? रिपेयर्स। जैसे पर्पस कंप्लीट हो गया, क्या गुड्स को लौटाया जाएगा? आपकी एक्टिवा है या गाड़ी है, आपने उसको सर्विसिंग पे दी है। एक्टिवा सर या गाड़ी सर्विसिंग पे देना, क्या गाड़ी आपकी है? क्या आपने उसको फिजिकली ट्रांसफर किया है? क्या उसके पीछे कोई कारण है? क्या है? सर्विस। जैसे सर्विसिंग हो गया, क्या आपको आपकी गाड़ी वापस मिल जाएगी? व्हाट इज दिस? बेलमेंट। हाँ, गोल्ड बिस्किट है, आपने वो गोल्ड बिस्किट किसी ज्वेलर को दिया और कहा कन्वर्ट इट इनटू अ गोल्ड ब्रेसलेट। ये गोल्ड आपका ही है, क्या आपने इसको ट्रांसफर किया है टू द ज्वेलर? क्या कोई रीजन है? रीजन है मॉडिफिकेशन। जैसे पर्पस कंप्लीट हो गया, क्या गुड्स को वापस लौटाया जाएगा? ये सिलाई दुकान पता है इधर चौक पे, वहां से आपने शर्ट का मटेरियल खरीदा, आपका मटेरियल है ये। आप टेलर के पास गए और कहा इसका शर्ट स्टिच करके दे दे, मॉडिफिकेशन। जैसे ही शर्ट स्टिच होता है, आपको आपका शर्ट वापस मिल जाता है। हाँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कभी बाहर जाना है, कोई प्रोग्राम में जाना है, दोस्तों के जूते बोरो कर लिए, ज्वेलरी बोरो कर लिए, कपड़े बोरो कर लिए, घड़ी बोरो कर ली, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कभी एब्सेंट थे तो दोस्तों से बुक बोरो कर ली, सिर्फ फिजिकल पोजेशन मिला है रीजन के लिए। जैसे पर्पस कंप्लीट हो जाता है, क्या गुड्स को लौटाया जाता है? व्हाट इज इट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। चले गए आप लोग यहां पे जेडब्ल्यू मैरिट डिनर विनर करने के लिए, पार्टी वार्टी करने के लिए। वैले वाले को आपने आपकी गाड़ी हैंडओवर करी, गाड़ी मतलब एक्चुअली चावी। वो क्या करेगा? गाड़ी पार्क करेगा, जब तक आप पार्टी शार्टी कर रहे हो वो गाड़ी उधर ही रहेगी। आज जैसे यू आर लीविंग, यू विल कॉल बैक फॉर द कार। क्या ये बेलमेंट है? आपने गुड्स की पोजेशन को ट्रांसफर किया है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, गुड्स को लौटाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी होना जरूरी है? डिलीवरी के तीन टाइप्स बताओ, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। क्या पर्पस होना जरूरी है? और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, क्या गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है? अरे बोलो ना, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। एक सवाल मैं आपको पूछती हूं, आप सोच के मेरे को कल जवाब बताना। आपने आपने आपकी ज्वेलरी बैंक लॉकर में रखी है, बैंक लॉकर में, क्या ये बेलमेंट है? यस या नो? कल सोच के बताना अलोंग विद रीजंस, ठीक है? गिविंग क्या चैट जीपीटी ऐसे मत करो, जब आप ऐसा करना चालू करोगे आप आपका दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दोगे। इट्स नॉट द करेक्ट टेक्निक, इसलिए आई डोंट इवन टेल यू ऑल टू टेक द फोटोज। जिस दिन आपने फोटो लिया ना ये पीपीटीज का और ये एग्जांपल्स का, उस दिन आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मेंटली यू आर टेलिंग योर माइंड मेरे पास उसका फोटो है, मेरे पास इसका बैकअप है, कोई टेंशन नहीं है। बाद में बच्चा प्रेपरेटरी लीव में फोटो फोटो ही खेलते रहता है। सो डोंट लेट दैट हैपन। आप ट्रस्ट करो अपने माइंड का एंड यूज योर माइंड कि दिमाग में हम फिट करेंगे, लिख लेंगे, हम खत्म करेंगे, फोटो वोटो का बैकअप चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है? एक होमवर्क है आपको, और ये लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, फोटो मत लो, आई जस्ट जूम इट इन। ऊपर का सारा लिख लिया क्या? एग्जाम्पल 1, 2, 3। ओके वर्चुअल स्टूडेंट्स एंड फेस टू फेस किड्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे and especially for your patient listening. See you tomorrow. Bye bye.
क्या तीनों एग्जाम्पल्स लिखने हैं क्या? एक बार ये बच्चों को लिखने दो, फिर मैं उधर ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल कर दे। दिया है क्या छुट्टी किसी ने कल? नहीं ना। You are done with this writing part? Yes. Scroll up na? सुनो ना मैं क्या बोल रही हूं। 15 तारीख को हम आपका टेस्ट रखते हैं, 15 तारीख को। आज 6 तारीख है, क्या एक हफ्ते से भी ज्यादा मिल रहा है आप लोगों को? 15 तारीख को हम टेस्ट रखेंगे। किस पे बताती हूं, उस दिन चप्पल पड़ेगा ना आप लोगों को। 15 तारीख को टेस्ट होगा, और टेस्ट किस पे है? इंडेमनिटी गारंटी एंड बेलमेंट, तीनों पे। इंडेमनिटी गारंटी एंड बेलमेंट, बेलमेंट और प्लेज एक्चुअली अगला यूनिट है। प्लेज भी अगर होता है तो वो भी मैं इंक्लूड कर लूंगी। हाँ क्या क्या? अच्छा वैसे बोल रहे हो क्या? बट ये तो पक्का है, इंडेमनिटी गारंटी और बेलमेंट पे तो आप पढ़ना चालू करो। इंडेमनिटी गारंटी हमारा सब कुछ हो गया विथ रिविजन एंड क्वेश्चन। बेलमेंट भी, आज क्या ट्यूसडे है ना, ये वीकेंड तक हमारा बेलमेंट हो जाता। प्लेज को मेरे को 2 ही दिन लगते हैं। प्लेज इज वेरी स्मॉल, प्लेज इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सोलह तारीख को इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट तो है, प्लेज के बारे में हम बताएंगे आपको। थोड़ा तो सिलेबस में को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और ऐड किया तो ही ठीक है ना, इतना छोटा छोटा कब तक टेस्ट करते बैठे है? हाँ, और फिर थोड़ा इंप्रूव भी होना जरूरी ना आप लोगों को। हो गया ना पूरा वॉल्यूम 1 है, पूरा का पूरा बुक, मजा आएगा उसमें। बताओ कितना बचा है वॉल्यूम 1 है। चलो बाय बाय गाइस, आई होप यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट।